नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे आपके हाथ में बने मछली के निशान के बारे में। एक ऐसा निशान जो आपके जीवन में बनाता है अचानक धन वर्षा का योग, पर आप कर देते हैं अनजाने में तीन ऐसी गलतियां जिस वजह से ये निशान आपके हाथ में होते हुए भी आपको पूर्ण रूप से फायदा नहीं दे पाता है। तो वो तीन गलतियां कौन सी हैं और उनको सुधारने का तरीका क्या है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करना तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स को फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। पर एक ज़रूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि वीडियो के कमेंट्स में अगर आपको कोई नंबर दे रहा है कंसल्टेशन के लिए, तो इन नंबर के चक्करों में ना पड़े, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, तो कृपया इनसे बचना है। तो आइए जान लेते हैं पहली गलती के बारे में। और जो ये पहली गलती है, ये आप कर देते हैं इस निशान की आकृति को पहचानने में। कैसे, देखिए कुछ इस प्रकार। यहाँ पर होती है आपकी लाइफ लाइन, जिसे जीवन रेखा भी कह देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। पहला हिस्सा कुछ इस प्रकार से हमें नज़र आता है, दूसरा हिस्सा भी इसमें से डिवाइड होता है, पर दोनों ही नीचे जाके मिल जाते हैं। तो ये होता है एक कंप्लीट दोष मुक्त फिश का साइन। अब हो सकता है आपके हाथ में भी कुछ इस प्रकार से हो, और हमारे पास बहुत सारी हाथ की फोटोज़ भी आती हैं जिसमें कहा जाता है कि हमारे हाथ में फिश का साइन है, तो देख के बताइए कि इसका फ़ायदा कब मिलेगा। पर जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कंप्लीट एक दोष मुक्त फिश का साइन नहीं है। तो क्या क्या हमें खामियां नज़र आती हैं, देखिए पहली खामी जो हमें नज़र आती है वो ये होती है कि उसमें कुछ रेखाएँ अंदर की ओर आ रही होती हैं कुछ इस प्रकार। अगर आपके हाथ में भी फिश का साइन है पर इस प्रकार से रेखाएं उसमें अंदर आ रही हैं, तो ये बाधा डाल देती हैं जिस वजह से ये निशान आपको प्रॉपर फायदा नहीं दे पाता है। और दूसरी खामी जो हमें नज़र आती है वो ये होती है कि ये रेखा जो डिवाइड हुई थी, ये इस प्रकार जाती तो ज़रूर है पर नीचे जाके मिल नहीं पाती है, मतलब दोनों ही जाके क्रॉस नहीं हो पाती हैं, और यहाँ पर हमें गैप नज़र आ जाता है जिस वजह से ये निशान फिर से आपको फ़ायदा नहीं दे पाता है। अब ये निशान माननीय नहीं होंगे। अगर आपको एक कंप्लीट दोष मुक्त फिश का साइन देखना है तो जैसे कि आपको बताया था कि रेखा जो है नीचे जाके मिलनी जरूरी है, और इस प्रकार से फिश का साइन बनता है जो आपको पूर्ण रूप से फायदा देगा और आपके जीवन में अचानक ही धन वर्षा का योग बनाएगा। अब आपने पहली गलती के बारे में जाना और ये भी जाना कि इस निशान की सही आकृति कैसी होती है। अब हम जानेंगे दूसरी गलती के बारे में। इसमें जो है आप सोचते हैं कि इस निशान से आपको अचानक धन लाभ प्राप्त होगा, तो आपके जीवन में खूब सारा पैसा आएगा, छप्पड़ फाड़ धन वर्षा होगी, और आपको इस प्रकार से इस निशान को एनालाइज नहीं करना है। देखिए ये आपके काम से जुड़ा है। अब डिपेंड करता है, अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें अचानक ही प्रमोशन मिल जाना, या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें अचानक ही बड़ी सफलता प्राप्त हो जाना। तो ये आपके जीवन में अचानक धन वर्षा के साथ साथ आपकी तरक्की में भी अचानक ही बड़ा योग बनाता है। तो आगे से आप इस निशान को धन वर्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में अचानक तरक्की के लिए देखिए। जब आपके जीवन में अचानक ही तरक्की होगी तो ऑब्वियसली आपके जीवन में अचानक धन लाभ का भी आगमन होगा। इसके बाद आती है तीसरी गलती। इसमें हम पता करेंगे कि आपको अचानक धन लाभ कब होगा, पर गलती जो आप कर देते हैं वो ये है कि आप अचानक धन लाभ की उम्मीद में गलत टाइम पे गलत कदम उठा लेते हैं, जो आपको नहीं करना है। वो कैसे, देखिए अगर आप जॉब करते हैं तो इस निशान का फायदा आपको 30 साल की उम्र के बाद मिलेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको 30 साल की उम्र से पहले ही इस निशान का फ़ायदा मिलता है। और ये कैसे मिलता है, आपके जीवन में मौके आते हैं, बस आपको मौका संभालना आना चाहिए। अगर आपने मौका नहीं चूका तो आपके जीवन में अचानक ही धन लाभ का आगमन होगा। और जो ये फिश का साइन है, ये आपकी लाइफ लाइन से जुड़ा है और इसी के साथ आपके केतु पर्वत पर बना है, जो इस बात की पुष्टि कर देता है कि आपके जीवन में अचानक धन वर्षा का योग अवश्य ही बनेगा। बस आप अपने काम को पूरी निष्ठा से करते रहें और अपने काम पे विश्वास बनाए रखें।
तो दोस्तों ये थी वो तीन गलतियां और उनको सुधारने का तरीका। अगर आप इन बातों पर ध्यान रखते हैं तो आने वाले समय में आपके जीवन में अचानक धन वर्षा का योग जरूर बनेगा। अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बट एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं, बट अगर आपको इन सब में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं आप सुन लूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।